मोहन ने कही राधा से अपने दिल की बात। लड़खड़ाते मोहन को मिला राधा का सहारा। सामने आया दोनों के दिल का दर्द। जी टीवी के सीरियल राधा मोहन में फाइनली राधा और मोहन का मिलन हो ही गया। देखिए तो कैसे आज मोहन अपने दिल की बात रो रो कर राधा से बयां कर रहा है। असल में मोहन नशे की हालत में है। जब से मोहन को सच का पता चला है वो राधा से बात करना चाहता है और आज उसे वो मौका मिल ही गया। नशे की हालत में वो पहुंच गया है राधा के पास और बता रहा है अपने दिल की बात। ऐसे में राधा भी खुद को रोक नहीं पा रही। भाई दोनों के बीच गलतफहमियां कितनी भी हों लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार बेहद करते हैं। और पर ये सोचकर काटता था कि जब तुम मिलोगी मैं ये कहूंगा वो कहूंगा ये सुनूंगा वो बोलूंगा। माफी मांगूंगा मैं तुमसे, माफी कि हो गई ना मुझसे गलती, मुझे मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए ना कि किसी और पर। गलती हो गई तो माफ कर दो, अगर माफ नहीं कर सकती तो सजा दे दो, मारो, जान से मार दो, ठीक है? तो राधा क्या? मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम ऐसी सिस्टर होगी, तुम बहुत सी भी खत्म होगी ना? मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा और तुम इतनी आगे निकल गई लाइफ में, मुझे पता तक नहीं चला। बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, दुख का माहौल है। राधा जो मोहन जी से खुल के बात करना चाहती है पर कर नहीं पाती है, और मोहन जी भी बिल्कुल वैसे ही हैं, खुल के बात नहीं कर पा रहे। सब है युग की फैमिली आसपास, इसलिए राधा और मोहन बहुत बच के रह रहे हैं उनसे। पर अब मोहन जी बस जब उन्हें पता चल गया कि मनन उनका बेटा नहीं है, डीएनए रिपोर्ट जब उन्होंने देखी उसके बाद वो थोड़े से पागल से हो गए, उन्होंने शराब वराब पी लिया, तो बस राधा उन्हें समझाने आई थी। भाई आज मोहन राधा से अपने सवालों के जवाब मांग रहा है और बात करते करते वो इतना इमोशनल हो गया कि वो राधा के गले लगकर रोने लगा, उससे माफी मांग रहा है। मोहन का ये बदला अंदाज राधा भी देखकर हैरान है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोहन से नाराज भी है क्योंकि उसने नशा जो किया है। ऑफ कोर्स राधा को पसंद नहीं है कि कोई भी शराब पिए, और राधा जब मोहन जी के घर में थी तब वो देखती थी कि मोहन जी अपने पापा से बात नहीं करते क्योंकि वो शराबी थे, और कई सालों तक उन्होंने अपने पापा से बात नहीं की थी इसी रीज़न के वजह से। तो इसलिए बस वो समझा रही कि जो चीज़ आपने इतने सालों तक नहीं किया, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, आप छोटी कोई भी आपकी लाइफ में घटना हुई है उसकी वजह से क्यों आप उसकी लत लगा रहे, तो बस यही समझा रही थी राधा। वैसे इसी के साथ राधा अब कंफ्यूज है कि वो मोहन के पास जाए या फिर युग के पास, क्योंकि जब मोहन राधा की जिंदगी में नहीं था तब युग ने ही उसे संभाला था। अब देखना होगा कि राधा अपने प्यार मोहन को चुनेगी या फिर अपनी जिम्मेदारी युग को। कहीं ना कहीं अंदर अभी भी राधा के थोड़ी बहुत फीलिंग्स तो है
थोड़ी बहुत क्या, ऑफकोर्स फीलिंग्स ही है मोहन जी के लिए, तो बस उसी फीलिंग्स के चलते वो हक करने जा रही है। पर फिर उसे ध्यान आता है युग के बारे में, जिसने उसे खुशियाँ दी हैं, प्यार दिए है, जिसने उसे सब कुछ दिया है जो उसे चाहिए था फॉर अ हैप्पी लाइफ, उसने सब दिया है। तो बस उसके बारे में सोचकर वो पीछे हट जाती है। एंड आई थिंक सही भी है, बेचारी राधा दोनों साइड फंस चुकी है। बट आप बताएं कि राधा को क्या, कहाँ जाना चाहिए, मोहन जी की तरफ जाना चाहिए या युग की तरफ जाना चाहिए, कमेंट्स में बताइएगा। तो भाई अब राधा और मोहन की ये लव स्टोरी आगे कौन सा मोड़ लेगी ये देखना होगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 करते हैं आपके एंटरटेनमेंट के हर सपने को पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सबको पता ही है, सास बहू और बेटियाँ।